हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवीज़ बोल्ड। अगर आप एक एक्शन लवर हैं, आपको प्योर एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है, तो ये वीडियो आप ही के लिए बनी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको प्योर एक्शन वाली जबरदस्त मूवीज़ देखने को मिल जाएंगी, जिनके अंदर आपको एक्शन की बिल्कुल भी शॉर्टेज देखने को नहीं मिलेगी। इस लिस्ट की कुछ मूवीज़ के अंदर तो एक्शन को नेक्स्ट लेवल पर, एक्सट्रीम लेवल पर पहुँचा दिया, जिसके आगे हर सीमा खत्म हो जाती है एक्शन की। तो इस तरह की मूवीज़ आपको आज के इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगी, जिन सभी मूवीज़ को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि इस लिस्ट की मोस्ट ऑफ द मूवीज़ हिंदी में ही अवेलेबल हैं। सो हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी 9th मूवी है SAS रेड नोटिस, जो मूवी 2021 में आई है। एक आर रेटेड एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की, जो एक स्मॉल मिलिट्री की लीडर होती है, जिसकी छोटी सी मिलिट्री के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोग दुनिया के सबसे ज्यादा ट्रेंड क्रिमिनल होते हैं, जो लोग एक तरीके से किलिंग मशीन होते हैं। लोगों को स्टार्ट कर दो, लोगों को मारते चले जाएंगे। इस तरह के खतरनाक क्रिमिनल इसकी टीम के अंदर होते हैं, इसकी आर्मी के अंदर होते हैं, जो लोग मिलकर एक ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं, जिसके अंदर यानी कि उस ट्रेन के अंदर उस समय एक सीक्रेट स्पेशल ऑफिसर भी होता है, जो अब किस तरह इस ट्रेन को बचाता है इन लोगों से, वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप इसको नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हमारी नेक्स्ट मूवी केट, जो मूवी 2021 में आई थी, एक एक्शन एडवेंचर क्राइम मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक फीमेल एसेसिन की, जो बुरे लोगों को मारती है और उसके बदले पैसे लेती है। लेकिन एक दिन इसके लिए मुसीबत तब खड़ी हो जाती है जब कोई इसे एक ऐसा जहर दे देता है जिसकी वजह से इसकी पूरी बॉडी के अंदर बहुत भयानक रेडिएशन फैल जाता है, जिसकी वजह से अब ये किसी भी कीमत पर बच नहीं सकती। कोई भी दवाई इसको नहीं बचा सकती, इसका मरना 24 घंटे के अंदर तय है। तो इसको ये तो पता है कि ये मरने वाला है, लेकिन मरने से पहले ये उस आदमी को मारना चाहती है, उससे बदला लेना चाहती है जिसने इसको जहर दिया है। तो आखिर इसको जहर किसने दिया और किस तरह उसका पता लगाते हैं, वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप इसको नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी टीयर्स ऑफ द सन, ये मूवी 2003 में आई थी, एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है कुछ स्पेशल कमांडर्स की, जिन लोगों को भेजा जाता है नाइजीरिया, क्योंकि वहां पे इनकी एक डॉक्टर फंसी होती है, यानी कि यूएस की एक डॉक्टर फंसी होती है, जो कि वहां पर गई होती है लोगों की मदद करने के लिए, क्योंकि वहां पर सिविल वॉर चल रहा होता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग मारे जा रहे होते हैं। इसीलिए वहां पर गई होती है, लेकिन वहां पे खुद फंस जाती है, जिसको बचाने के लिए यूएस सोल्जर्स आते हैं, कमांडर्स आते हैं। लेकिन यह औरत यानी कि डॉक्टर एक शर्त रख देती है उन सभी कमांडर्स के सामने, कि एक ही शर्त पर यहां से जाएगी, कि अगर वो इन 70 रिफ्यूजी को अपने साथ यूनाइटेड स्टेट्स लेकर चले तो। लेकिन उन कमांडर्स को आदेश मिला है कि सिर्फ लेकर आना है इस डॉक्टर को, और ना ही इनके पास इतनी जगह है। तो ऐसे में ये लोग क्या करते हैं, वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, लेकिन हो सकता है नेटफ्लिक्स पे ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल ना हो। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी व्हाइट हाउस डाउन, जो मूवी 2013 में आई थी, एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक पुलिस मैन की, जो अपनी बेटी को लेकर आया होता है व्हाइट हाउस घुमाने के लिए, लेकिन वहां पे अचानक से टेररिस्ट अटैक कर देते हैं, क्योंकि वो प्रेसिडेंट को बंदी बनाना चाहते हैं। लेकिन ये पुलिस मैन, जिसकी बेटी वहां पर खो जाती है, यानी कि व्हाइट हाउस के अंदर खो जाती है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी इसे इस एक्सट्रीम कंडीशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे टेररिस्ट, बहुत सारे वेपन्स लेकर आस पास घूम रहे हैं। ऐसे में किस तरह अपनी बेटी को बचाता है और साथ में प्रेसिडेंट को बचाता है, वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी बिलो जीरो, जो मूवी 2021 में आई थी, एक एक्शन एडवेंचर क्राइम मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की, जो कि एक प्रिजन के अंदर काम करता है, यानी कि जेल के अंदर काम करता है, एक पुलिस वाला होता है। इसे एक दिन एक बहुत खतरनाक काम दिया जाता है, क्योंकि इसे अपनी टीम के साथ मिलकर ले जाना है बहुत सारे क्रिमिनल्स को एक जेल से दूसरी जेल में। लेकिन रास्ते में इनके ऊपर अटैक हो जाता है, इनके ट्रक के ऊपर अटैक हो जाता है। ऐसे में ये लोग क्या करते हैं, वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स में 6.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हमारी नेक्स्ट मूवी ओब्लिवियन, जो मूवी 2013 में आई थी, एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है अर्थ की, जिसके ऊपर बहुत सारे एलियंस आक्रमण कर देते हैं। इसमें बहुत भयानक युद्ध होता है, न्यूक्लियर वेपन्स का यूज होता है, जिसकी वजह से पृथ्वी रहने लायक नहीं बचती, सभी एलियंस मारे जाते हैं। लेकिन इंसान अपने आप को बचाने के लिए चले जाते हैं टाइटन नाम के एक प्लैनेट पे, जहां पर वो लोग आराम से रह रहे होते हैं। लेकिन पृथ्वी के ऊपर दो इंसानों को भेजा गया था ताकि ये लोग यहां पर उड़ने वाले ड्रोन्स की रक्षा कर सके, उन्हें बचा सके, उन्हें ठीक कर सके, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर रहना अभी भी पॉसिबल है। लेकिन सभी इंसान जाकर रह रहे हैं टाइटन प्लैनेट पे, क्योंकि वहां पर उनका जीवन बहुत ज्यादा आसान है, वहां पर बहुत ज्यादा हरियाली है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर इतनी हरियाली नहीं है, यहां पर चीजें लगभग तबाह हो गई हैं। इसीलिए यहां पर कोई इंसान नहीं रहता, खाली ये दो इंसान रहते हैं, जिनका काम है ड्रोन्स ठीक करना, ताकि ये ड्रोन्स उन एलियंस को मार सकें जो अभी भी प्लैनेट के ऊपर छुप कर रह रहे हैं, यानी अर्थ के ऊपर छुप कर रह रहे हैं। बाकी इस मूवी की स्टोरी आप इसी के अंदर फाइंड आउट करिए, क्योंकि इस मूवी के अंदर बहुत बड़ी मिस्ट्री भी छुपी हुई है। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसको रेटिंग्स में 7.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी द मैन फ्रॉम अंकल, ये मूवी 2015 में आई थी, एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी मूवी है। इस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है अर्ली 1960s की, जब CIA एजेंट और साथ में KGB का एक एजेंट, यानी कि US और रशिया के दो एजेंट मिलकर एक ऐसे आदमी के पीछे एक
ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के पीछे पड़े होते हैं जो लोग न्यूक्लियर बॉम्ब्स की डील करने वाले हैं, उनका यूज करने वाले हैं। और हम सबको पता है कि KGB और CIA की नहीं बनती, ये दोनों एक दूसरे से काफी नफरत करते हैं। ऐसे में ये दोनों किस तरह मिलकर काम करते हैं वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। इसीलिए ये एक एक्शन कॉमेडी मूवी जिसके अंदर आपको बहुत सारा एक्शन भी देखने को मिलेगा। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप इसको नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस मूवी को रेटिंग्स में 7.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी द नाइट कम फॉर अस, जो मूवी 2018 में आई थी, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर में एक बहुत बड़ी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन की कहानी दिखाई जाती है जिसे बहुत से लोग कंट्रोल करते हैं, और साथ में इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बहुत से लोगों को रखा गया होता है, जैसे कि वो मैनेजर की तरह काम करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेकिन उसी में से एक आदमी धोखा देता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जब उसे ये खून खराबा पसंद नहीं आता और इसके टीम मेंबर्स मारने जा रहे होते हैं एक छोटी बच्ची को, तब ये उन्हीं के खिलाफ हो जाता है और उस लड़की को लेकर भाग जाता है। जिसके बाद इसके लीडर्स इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, वो बहुत सारे खतरनाक एसेसिन को इसके पीछे भेज देते हैं ताकि वो इसे और छोटी बच्ची को दोनों को मार डालें। आगे क्या होता है आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी एक बहुत ब्रूटल मूवी, इसलिए आप इसे फैमिली के साथ ना देखें, इसके अंदर बहुत ज्यादा खून खराबा है। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप इसको नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी फर्स्ट मूवी रेड नोटिस, जो 2021 में आई थी, एक एक्शन कॉमेडी थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक पुलिस वाले की, जो बड़ी ही मुश्किल से एक चोर को पकड़ता है और उसे जेल में भेज देता है। लेकिन तीसरी चोर, जो इन सभी लोगों से बहुत ज्यादा सातिर है, वो इस पुलिस वाले को झूठे आरोप में फंसा देती है, जिसके बाद ये पुलिस वाला उस चोर के साथ, यानी कि जिसे इसने जेल में भेजा है, उसके साथ मिलके उस दूसरी चोर को पकड़ने के लिए बहुत खतरनाक सफर पर निकल पड़ता है। यानी कि दूसरी चोर, जो कि एक लड़की है, जो कि पड़ी है 3 अंडों के पीछे, और वो अंडे बेशकीमती अंडे जिनकी कीमत अरबों में है, इसलिए ये इन अंडों को चुराना चाहती है और इसके बदले में अरबों रुपए कमाना चाहती है। तो आगे क्या होता है आप इस मूवी के अंदर ही देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप इसको नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसको रेटिंग्स में 6.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।